I am lecturer in Civil Engineering Department, Algebra Polytechnic, Ahmedabad. Today we discuss about subject Construction Quality Control and Monitoring, and the topic is Quality of Cement and Bricks. It contains quality of cement and quality of bricks. First हम देखते हैं quality of cement. So cement की quality सबसे पहले हम on site हो तो कैसे check करेंगे? So जब cement की bag open करें 50 kg की, तब हम उस पे उसके अंदर जब हाथ डालें और सीमेंट थोड़ा बाहर निकालें तो उसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, यानी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो एक बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं वो नहीं होने चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए. उसके बाद उसका जो कलर है, ठीक है, वो ग्रेनिश ग्रीन कलर होना चाहिए ताकि फ्रेश दिखे. उसके बाद जब सीमेंट बैग के अंदर हम अपना हाथ इंसर्ट करें तो कूल फीलिंग आनी चाहिए ताकि उससे हमें पता चले कि सीमेंट फ्रेश है. नेक्स्ट, स्मूथ फीलिंग व्हेन पिच ऑफ सीमेंट बिटवीन द फिंगर, यानी जब फिंगर के अंदर बीच में जब सीमेंट रहते हैं तो फ्रेश फीलिंग आनी चाहिए, एकदम स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए ताकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, वो पार्टिकल्स एग्जैक्टली वो हमें पता चले. नेक्स्ट हम बात करें तो जब सीमेंट की बैग कोई बकेट हो जिसमें पानी भर के रखा है उसके अंदर हम खाली करें, तब जो सीमेंट है, ठीक है, वो थोड़े टाइम तक, यानी कुछ सेकंड तक ऊपर पानी के ऊपर फ्लो करना चाहिए, उसके बाद वो सिंक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरा ज्यादा टाइम लेना चाहिए, ठीक है, फ्लो करने में, या फिर तुरंत ही सिंक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके बाद है स्टोरेज. तो स्टोरेज की बात करें तो जो स्टोरेज होता है सीमेंट का, ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशन होती है कि सीमेंट जो है, ठीक है, वो प्लिंथ लेवल हो, ठीक है, उस पे यानी कि वाटर प्रूफ जो हो वहां पे रखना चाहिए, जहां पे वाटर जो है वो कम उसका एनवायरमेंट हो, ठीक है, वहां पे होना चाहिए सीमेंट, ताकि जो सीमेंट है वो बिगड़ नहीं जाए. फिर जो वॉल होती है उससे 30 सेंटीमीटर आगे रखना चाहिए, वॉल को टच करके नहीं रखना चाहिए. एक के ऊपर एक बैग जब रखिए तो 14 बैग ही एक बैग के ऊपर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर उससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो एट द बॉटम जो भी बैग होगी, ठीक है, वो खराब हो जाएगी. नेक्स्ट हम बात करें तो जहां पे एटमोस्फियर, ठीक है, ड्राई हो वहां पे रखना चाहिए, जहां पे वाटर लेवल, ठीक है, बहुत जो वाटर लेवल है ग्राउंड के अंदर की साइड हो, बहुत ऊपर नहीं हो, वहां पे हमें स्टोरेज करना चाहिए. तो ये सारे टर्म्स जो है वो हमें सीमेंट में स्टोरेज करने के टाइम ध्यान रखनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स. तो ब्रिक्स जो है, ठीक है, वो वेल साउंड होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए एंड वेल बर्न होनी चाहिए. साउंड की बात करें तो जब दो ब्रिक है, ठीक है, वो हम एक दूसरे से पटकाएंगे तो ऐसा मेटालिक साउंड होना चाहिए. फिर शार्प एजेस होनी चाहिए, यानी कहीं पे टूटी हुई है ऐसी नहीं होनी चाहिए, शार्प एजेस होनी चाहिए. उसके बाद 1.2 मीटर ग्राउंड से हम उसको फ्रीली छोड़ दें तो वो टूट नहीं जानी चाहिए. और हार्ड ग्राउंड पे उसका रिंगिंग होना चाहिए, यानी कोई साउंड आना चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए. उसके बाद है मेटालिक रिंगिंग साउंड, यानी जब अभी बोला कि जब दो ईट ब्रिक्स है, ठीक है, वो एक दूसरे से पटकाएंगे तो क्या होनी चाहिए कि एकदम मेटालिक साउंड होनी चाहिए, जैसे कि हमें लगे कि नहीं, ये जो ब्रिक है वो अच्छी तरीके से बन हुई है, पकी हुई है. उसके बाद है कि जब उसके ऊपर जब स्क्रैचेस करें कोई भी हमारे नाखून से या फिर कोई की से, यानी कोई हार्ड सरफेस पे उस पे हम स्क्रैच करते हैं तो एक लाइन भी, ठीक है, यानी कि जैसे कि देखो हमने स्क्रैचेस किया तो एक लाइन हो तो कोई बात नहीं, मगर पूरा जो उसके ऊपर का लेयर है वो निकल जाए तो वो ब्रिक वेल बर्न नहीं कहलाई जाती, उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है. उसके बाद उसका जो टेक्सचर है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, कहीं पे एकदम ऑरेंज है कहीं पे एकदम येलो है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. पूरा जो टेक्सचर है ब्रिक का वो एक ही कलर में होना चाहिए. उसके
जो टॉप सरफेस है उसके अंदर फ्रॉग होना चाहिए। फ्रॉग क्यों चाहिए? ताकि जब हम ब्रेक को मेजनरी में यूज करें तो हम उसको सपोर्ट दे सके। उसके बीच में क्या है कि फ्रॉग के बीच में जब सीमेंट जाएगा तो उसके ऊपर दूसरा सीमेंट लेयर आएगा और उसके ऊपर दूसरी ब्रिक रखेंगे तो अच्छी तरीके से वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती है और ब्रिक जो है वो वर्टिकली रह सकती है। उसके बाद हम बात करें तो साइज ऑफ ब्रिक्स, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या है? 19x9x9 सेंटीमीटर एंड नॉमिनल साइज यानी विथ मॉर्टर तो 20x10x10 सेंटीमीटर है। तो ये स्टैंडर्ड साइज है जो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ठीक है वो ज्यादा ब्रिक में नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा ब्रिक वाटर एब्जॉर्ब करती है तो उसका मतलब क्या है कि अंदर से वो बहुत ज्यादा पोरस है और बहुत ज्यादा पोरस होती है तो क्या होती है कि वो हार्ड नहीं होती, वो टूट जाती है। और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, कम आएगी। यानी कि जो ब्रिक है ठीक है वो हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं मिलेगी। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम करनी चाहिए प्लस जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस वीडियो से आपको जो नॉलेज गेन हुआ है ठीक है उसके लिए हमने एक एमसीक्यू टेस्ट रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप एमसीक्यू टेस्ट दे और आप जाने कि आपने कितना इस टॉपिक में इम्प्रूव किया है। थैंक यू।